बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे दम पुख पुलाव। दम पुख पुलाव बनकर बहुत ही मज़े का रेडी होता है, और इस पुलाव को बनाने के लिए हमें ढेर सारे मसाले यूज़ नहीं करने पड़ते, बस प्याज, टमाटर और नमक यूज करेंगे। सब्सक्राइब करें कुकिंग वर्ल्ड को और साथ में दिए गए आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली एक नई रेसिपी और एक नई टिप मिल सके। कि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और इसे 1 घंटा पहले भगो कर रख दिया है, और ये 4 अदद कटे हुए प्याज लिए हैं, ऑयल लिए 1/2 कप के बराबर, और ये 1/2 किलो बीफ होगा। आप चिकन का भी दम पुख्त बना सकते हैं। और 4 अदद कटे हुए टमाटर लिए हैं और 2 टेबलस्पून नमक लिया है। मसालों में हम बस प्याज, टमाटर और नमक यूज़ करेंगे। इसी से ये हमारा दम पुख पुलाव बहुत ही मज़े का बनेगा। इनके अलावा हम कोई मसाला यूज़ नहीं करेंगे। ये 2 गिलास चावल बनाने के लिए मैंने 4 ही टमाटर लिए हैं और 4 ही प्याज लिए हैं। बनाना शुरू करते हैं, और ये हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। ऑयल ऐड करेंगे, अब हम प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। हमने प्याज का कलर ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है, क्योंकि प्याज और टमाटर के कलर से ही हमारे दम पुख का कलर अच्छा आएगा। ये प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है, अब थोड़ी देर हम इसे और फ्राई करेंगे। ये हमारा प्याज गोल्डन हो चुका है जैसा हमें चाहिए। अब टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी काफी हद तक गल चुका है, अब हम बीफ डाल देंगे और अच्छी तरह भुनेंगे। इतना ज़्यादा भुनेंगे कि टमाटर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दम पुख पुलाव बनाने के लिए हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्याज और टमाटर को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना पड़ता है। ये हमने काफ़ी भून ली है, प्याज और टमाटर भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब हम 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। ये हम 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर चलाएंगे ताकि बीफ अच्छे से गल जाए। ये बीफ गल चुका है, अब हम इसे फिर से भुनेंगे। क्योंकि बीफ हो या चिकन, हमने तब तक इसे भूनना होता है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये मैंने फिर से 6 से 7 मिनट के लिए इसे भुना है। अब हम पानी ऐड करेंगे। हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, 2 गिलास चावल हैं और मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो चावल ऐड कर दें। मैंने चावल ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आपने इसे हिलाना नहीं है, बस ऊपर से बराबर करना है। अब हम फिर प्रेशर कुकर में टाइम देंगे। और जब ये प्रेशर कुकर की पिन टाइट हो जाए, हमने गैस का फ्लेम लो कर देना है, क्योंकि हमारा ये दम पुख्त पुलाव दम पर ही बनेगा। आठ से दस मिनट हो चुके हैं, अब हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे। ये हम आहिस्ता से किसी बड़े बर्तन में इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा बहुत ही मजे का दम पुख पुलाव रेडी हो चुका है, और इसका कलर भी बहुत ही जबरदस्त आया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद है गाइस आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इसी तरह एक और नई और जबरदस्ती रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।